अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सलाम के बाद मुसाफ़ा करते वक्त आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो मुसाफ़े के बाद अपने सीने पर हाथ रखते हैं। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़े के बाद सीने पर हाथ रखना साबित है या कहीं ये बिदात तो नहीं है? तो इस सिलसिले में उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम क्या फतवा देते हैं, आज उसी को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चुनांचे दो मुख्तसर फतवे आपके सामने पेश करूँगा, बस आप आखिर तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो हमारी मज़ीद वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए पहले अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। चुनांचे किसी ने सवाल किया, मुसाफे के बाद सीने पर हाथ रखने का क्या हुक्म है? जवाब दिया गया है, सलाम करते वक्त मुसाफा करना सुन्नत है और हदीस शरीफ में मुसाफे को सलाम की तकमील करार दिया गया है। ताहम मुसाफे के बाद सीने पर हाथ रखना साबित नहीं है, लिहाजा मज़कूरा अमल सुन्नत या लाजिम नहीं समझना चाहिए। फ़कत वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता, जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लामा महमूद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब दारुल उलूम देवबंद का भी इस सिलसिले में फ़तवा देख लेते हैं कि उसमें क्या है। सवाल किया गया है, सलाम और मुसाफा करने के बाद सीने पर हाथ रखना बिदात है, इसकी कोई दलील है? मुफस्सल जवाब दे। तो दारुल उलूम देवबंद ने इसका जवाब दिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफे के बाद सीने पर हाथ रखना न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना ही फ़ुक़हा-ए किराम ने सलाम मुसाफे के आदाब में इसे ज़िक्र किया है। इसलिए गैर मशरूअ जायद चीज़ होने की बिना पर जायद रस्म हुई, और अगर सलाम मुसाफे का मशरूअ जुज़ समझकर किया जाएगा तो बिदात में दाखिल होगी। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद। तो नाजरीन, दोनों फतवों से ये पता चला कि सलाम और मुसाफे के बाद सीने पर हाथ नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।